दोनों नेताओं ने टेलीफोन पर हुई बातचीत में एक दूसरे को ईद उल अजहा की शुभकामनाएं भी दी। राष्ट्रपति गनी ने अफगानिस्तान की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सही समय पर भोजन और डॉक्टरी सहायता की आपूर्ति करने के लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया। बयान के अनुसार पीएम मोदी ने शांतिपूर्ण, समृद्ध और समावेशी अफगानिस्तान की आकांक्षा कर रहे अफगान के लोगों के प्रति भारत की कटिबद्धता दोहराई। बयान में कहा गया कि दोनों नेताओं ने इस क्षेत्र में उभरती सुरक्षा स्थिति के साथ साथ आपसी द्विपक्षीय हितों वाले अन्य क्षेत्रों पर भी विचार विमर्श किया। स्वाद और महक के कारण देश विदेश में पहचान बनाई है, लेकिन उत्पादक अन्नदाता इस शोहरत का फायदा नहीं उठा पा रहे थे। पर अब किसानों को अन्य सुविधाओं के साथ मंडी चुनने का भी अधिकार मिल गया है। फायदा काफी होगा, फायदा अच्छा दाम मिलेगा। अच्छा दाम मिलने से फायदा तो होगा ही। कोई ऐसे जब इधर जो खरीदते हैं ऐसे खरीदते हैं जड़ी मुंजी वो फिर अगे जाके ना बेचनी होंगी है, ऐसे दाम घट मिलते हैं तो ये जोड़ा सीधा जुड़ना तो दाम तो फिर वधेगा ही। इसमें खूबी ये है कि वैसे भी हम जो है यूरिया वगैरह जो कम इस्तेमाल करते हैं, दूसरा यानी कि देसी हल का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। बाकी जो है जो नहर का पानी भी लगता है जहाँ पर, वो भी जो नहर का पानी भी दरिया चनाव का पानी आता है जहाँ पर, वो भी अच्छा है, मतलब कि शुद्ध पानी है। और इसी वजह से जो है हमारे जो बासमती खास करके आरसपुरा की बासमती है ये फेन हर वर्ल्ड तक जाती है। ये भारत वैश्विक बाजार में करीब 26,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बासमती चावल निर्यात करता है। कई शर्तों को पूरे करने के बाद अब यूरोपीय संघ भी भारतीय बासमती को आयात कर रहा है। आरसपुरा का चावल अपनी खास खुशबू के लिए मशहूर है। कहते हैं कि यहाँ के चावल में ये खुशबू और मिठास रणवीर सिंह कनाल के चनाब के पानी के कारण है। यही वजह है कि कृषि महकमे ने ऑर्गेनिक खेती पर जोर देकर यहाँ के। There is good news for the rice farmers of Jammu region. They can now choose to sell their produce in the open market and are no longer dependent on mill owners and mandis. The rice farmers of the world famous Arespura Basmati rice